नमस्कार, अवतार मीडिया की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया खरे। पूरे देश भर को दीपावली त्योहार की खासी उम्मीद थी, इंतजार था, और वो दीपावली उत्सव आज से उसकी शुरुआत हो चली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो गए हैं, और उनके विराजमान होने के बाद दीपावली उत्सव की धूम ही देखने लायक है। झांकियां निकाली गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं झांकी में। राम सीता की झांकी निकाली गई है, और इसके साथ ही उन्होंने राम सीता के आगमन का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। पुष्पक विमान से आगमन हुई है, और अयोध्या की जो छटा है वो देखने लायक ही है। पूरे कई दूरों तक शहर को पूरा सजाया गया है, लोगों की काफी भीड़ उमड़ी हुई है, लाखों दिए सजाए गए हैं। अयोध्या की क्या कुछ तस्वीर है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हम सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता आजम खान जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आजम खान, अयोध्या की आज तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि राम लला विराजमान हो गए हैं। 500 सालों का इंतजार था और ये इंतजार खत्म हो गया। आज किस तरह से अयोध्या नगरी सजी हुई नजर आ रही है? देखिए प्रियंका, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि 500 वर्षों के बाद जो है ये पहली दीपोत्सव जो है दीपावली जो है अयोध्या में मनाई गई, और पूरी अयोध्या को जो है दुल्हन की तरीके जो है सजाया गया है, और जगमग जगमग जो है हर तरफ दीप जो है प्रज्वलित जो है किए गए। हालांकि सुबह आज जो दीपोत्सव जो छोटी दीपावली है उस दिन जो है सुबह जो यहाँ पर जो है रामायण की थीम पर जो है साकेत डिग्री कॉलेज से नया घाट तक जो है रामायण की थीम पर जो 18 झांकियां जो है निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ, और यहाँ पर जिस तरीके से त्रेता युग में जो है श्री राम जी पुष्पक विमान से जो अयोध्या उतरे थे, तो अयोध्या वासियों ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया था उसी तरीके से स्वागत किया गया है, और हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प वर्षा जो है की गई है, और खुद जो है राज्याभिषेक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है किया है राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी का। चलिए ठीक है धर्मेंद्र, तस्वीर तो बिल्कुल जो है साफ नजर आ रही है, लेकिन लोगों का अगर उत्साह कहे तो कितना जो है लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है धर्मेंद्र? जी बिल्कुल, आप प्रिया जी कह रहे हैं कि ये दीपोत्सव राम लला विराजमान के बाद ये पहला दीपोत्सव है जो इतने उत्सव का है। आपको बता दें कि 7वीं बार जो है ये गिनीज ऑफ बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। ये दीपोत्सव अपने आप में बहुत माने रख रहा है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत चार चौबंद की गई है। जगह जगह जो है बड़ी बड़े वाहनों को जो है वो रोक दिया गया है, जिससे वहां पर इस आयोजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना पड़े। जी आज हम कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि धूमधाम से दीपोत्सव तो मनाया जा रहा है, इसे राम दीपावली भी कहा जा रहा है, कितने लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या के लोग तो पहुंचेंगे ही, रामलला का किस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है ये तस्वीर देखने के लिए, लेकिन दूर दराज से अन्य राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं। कितने संख्या में आज लोग एक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? और साथ साथ जो साउथ के लोग बात करें, साउथ में ज्यादा इस बात को पहली दीपावली कैसी होगी, तो वहाँ के लोगों का जो पहुंचना बहुत है वहाँ पे पहुंचे हैं। और साथ ही साथ बताते हैं आपको जो है कि ऐसे में हर एक के बस मन में यही है कि इस जो है इसके साक्षी बने, इसके भागी बने। जी दो विश्व रिकॉर्ड जो है 25 लाख के ऊपर दीप प्रज्वलित हुआ, और नया रिकॉर्ड जो है कीर्तिमान हुआ। और दूसरी बात यह है की 121 जो है बटुकों के द्वारा जो यहाँ पर सरयू की आरती जो की गई, तो दो जो विश्व रिकॉर्ड जो यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज हुए प्रियंका। और यहाँ पर उत्साह की अगर बात की जाए तो काफी उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर 1100 जो है वीवीआईपी जो है इस दीपोत्सव में जो सम्मिलित हो रहे। हालांकि कई प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग हैं, लाखों लाख की जो है भीड़ है प्रियंका, और काफी उत्साह का माहौल है अयोध्या के अंदर। आज हम कितने दिनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी? आज हम आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, धर्मेंद्र द्विवेदी आपको मेरी आवाज मिल रही है? धर्मेंद्र, कितने दिनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी, क्योंकि इस बार तो कहा गया था ना कि रामलला जब विराजमान हो जाएंगे अयोध्या नगरी में अपने मंदिर में, उसके बाद भव्य रूप से इसकी तैयारी की जाएगी, और वो तैयारी दिख भी रही है। कितने दिनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी? देखिए प्रिया जी, दीपावली दो बार, पहली दीपावली
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है शिलान्यास हुआ था, तो पहली दीपावली तब मनाई गई थी, तब भी लोगों में जोश था, लोगों ने अपने घर घरों पे दीपक जलाकर जो है इसका स्वागत किया था। और दूसरी दीपावली आज मनाई जा रही है, जब जो है इस कार्यक्रम को देखते हुए वहां पे भगवान राम के जो है खुशी में दिए जलाए जा रहे थे। आजम आपको मेरी आवाज मिल रही है? आजम आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है। आज हम आपके पीछे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए कि ये जो दीपावली है किस तरह से खास है, क्योंकि रामलला विराजमान हो गया है, उसके बाद ये दीपावली आई है, कितनी खास हो रही है उन लोगों के लिए। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से दीपोत्सव में देखते हैं। भाई साहब स्वागत है आपका सत्तार मीडिया में, किस तरह से आप देखते हैं और जो है क्या कहना चाहेंगे आप जो है, क्योंकि आप अयोध्या वासी हैं, कितना खास है ये दीपोत्सव, क्योंकि 500 वर्षों के वनवास के बाद ये पहली दीपावली जो है अयोध्या में मनाई गई है, प्रभु श्री राम जी विराजमान होकर पहली दीपावली, कितना उत्साह है? देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है पूरा शहर तो अयोध्या की नगरी किस तरह से सजी हुई है, इसकी तस्वीर की झलक तो दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों का उत्साह भी चरम पर नजर आ रहा है। लोग जो है काफी खुशी मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम 500 सालों के बाद अपने घर लौटे हैं और इसकी धूम देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने पुष्पक विमान से जब प्रभु श्री राम और माँ सीता पहुंची उनका भव्य स्वागत किया, आगमन किया, आरती उतारी, और क्या कुछ तस्वीर नजर आई थी धर्मेंद्र? देखिए जिस तरीके से आज वहां पे ये कार्यक्रम किया गया है, खुद सीएम द्वारा राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण और सीता की आरती उतारी गई, जिस उस आयोजन ऐसा लगा था मानो जैसे जैसे उस युग में जो हुआ था ठीक ऐसे आज अयोध्या प्रतीत हो रही थी। लोगों के मन में काफी हर्षोल्लास था और उसको देखकर भाव विभोर हो रहे थे। लोगों का कहना है कि आज ये वर्तमान की अयोध्या नहीं, ऐसा आयोजन लग रहा है, ऐसे देख के लग रहा है कि जैसे उस समय जैसे जब भगवान राम वापस अयोध्या आए थे ऐसा ही स्वागत हुआ था, ऐसा ठीक लग रहा है कि जैसे इस समय भगवान राम खुद जो है वापस अयोध्या आए हों। जी आज हम बिल्कुल ये त्रेता युग जैसी तस्वीर नजर आ रही थी, राम जो है राम का आगमन हुआ, माँ सीता का आगमन हुआ, लक्ष्मण जी का आगमन हुआ, आरती उतारी गई, पुष्पक विमान से आगमन हुआ है, लोग तो उत्साहित होंगे। आपकी लोगों से बातचीत भी हुई थी, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है और जो तस्वीर नजर आ रही है इस पर क्या कुछ कहना है? अयोध्यावासी ने बिल्कुल ये बात कही है कि जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री राम जी पुष्पक विमान जो है लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या वासियों ने जिस तरीके से उत्साह किया था, उसी तरीके से अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी अगुवाई में जो है श्री राम जी और सीता जी का जो है आगमन हुआ और उनके पुष्पों से जो है स्वागत जो हेलीकॉप्टर से पुष्प से वर्षा हुई उसका उन लोगों का स्वागत किया गया, उसके बाद राज्याभिषेक हुआ, तिलकोत्सव का कार्यक्रम हो, तो भव्य भव्य जो है नजारा था, अयोध्या वासियों में एक उत्साह का माहौल है। प्रियंका आज हम बिल्कुल, लेकिन अब सुरक्षा की भी बात कर ली जाए क्योंकि भव्य मंदिर बन गया है, दर्शन करने के लिए लोग उस वक्त भी गए थे जब रामलला की मंदिर जो है बनी थी, अभी जो है दिवाली का उत्सव है और रामलला के आगमन के लिए ये दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, जाहिर सी बात है लोग पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं? देखिए सुरक्षा की अगर बात अगर की जाए तो यहाँ पर एसटीएफ और एनएसजी और सीआरपीएफ और सिविल पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा पहले से ही जो है संभाल रखा है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर ड्रोन से जो है निगरानी की जा रही है। हालांकि दीपोत्सव को लेकर के सुरक्षा का खाका कुछ बढ़ा दिया गया था क्योंकि वीवीआईपी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर मौजूद थे, तो यहाँ पर जो कल से ही जो है अयोध्या में बिना पास के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही थी, जिनके पास पास है केवल उन्हीं को जो है यहाँ पर जो है प्रवेश जो है अयोध्या में जो है दिया जा रहा था। प्रियंका आज हम क्या वीआईपीओ की लिस्ट में किनका किनका नाम शामिल है, कौन कौन से वीआईपी पहुंचने वाले हैं या फिर पहुंचे हुए थे? देखिए प्रियंका यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है वो सारे लोग थे और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है वो थे और कुछ हालांकि कुछ और अन्य जो है वीवीआईपी थे, बाहर से भी कुछ गेस्ट लोग आए थे, लगभग 1100 लोगों की लिस्ट थी जो इस दीपोत्सव में जो सम्मिलित हुए और यहाँ पर जो 1121 जो बटुकों ने जो है सरयू की जो है आरती जो है उतारी उसका भी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज हुआ है। प्रियंका
कितने दिए जलाने की आज जो है बात की जा रही थी, कितने दिए जलेंगे? देखिए बात जो हुई थी वो यहाँ पर 25 लाख जो है दीप जो है प्रज्वलित करने का टारगेट रखा गया था। हालांकि यहाँ पर जो अवध विश्वविद्यालय ने जिसने जिम्मेदारी ले रखी थी, 30,000 जो है वॉलेंटियर्सों ने जो यहाँ पर जो है लगभग 28 लाख जो है दीप जो है बिछाने का कार्य जो किया था और जो 3-4 दिन पहले जो बिछाना शुरू किया था परसों जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हालांकि जो 25,12,586 जो है दीप प्रज्वलित जो है कर करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना है, प्रियंका, एक नया जो है कीर्तिमान स्थापित किया, क्योंकि हर वर्ष अयोध्या जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड जो है स्थापित जो है करती है। प्रियंका, आज हम कल की तस्वीर क्या कुछ नजर आने वाली है, क्योंकि आज छोटी दिवाली है और कल तो बहुत ही बड़े धूमधाम से दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। कल कह सकते हैं कि दीपावली मुख्य त्योहार है कल, और दीपावली की तस्वीर वानगी अयोध्या में क्या कुछ नजर आने वाली है? देखिए सूबे के मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर आए, आज यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह यहाँ पर जो है यहाँ पर रहेंगे। लगभग 10:30-11 बजे वो यहाँ से जाएंगे और अयोध्या हमेशा ही जो है प्रभु श्री राम जी की जो है स्वागत में लगी रहे। और यहाँ पर जिस तरीके से लंका जो है विजय करने के बाद त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी आए थे और अयोध्या वासियों ने जो एक उत्साह मनाया था, तो वही उत्साह अयोध्या वासियों में, पूरी अयोध्या जो है दुल्हन के तरीके जो है सजी हुई और हर जगह जगह पर, चाहे वो मंदिर हो या घाट हो या सभी के घर हो, सब जगह जो है दीप जो है प्रज्वलित किया जाएगा और पटाखे भी जो है फोड़े जाएंगे। प्रियंका, आज हम क्या लग रहा है कि अभी जो तस्वीर निकल कर नजर आई है, कल इससे ज्यादा धूमधाम से दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा, लोगों की भीड़ और भी ज्यादा आएगी? देखिए अयोध्या में तो लगातार अभी जो है दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी जब त्रेता युग में लंका विजय करने के बाद जो आए थे तो अयोध्या वासियों ने उत्साह मनाया था, उसी खुशी में जो है दीपावली जो है पूरे देश में मनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर अयोध्या वासियों ने जो 56 भोग का भी कार्यक्रम किया था, अन्य कुछ भी उसको जो है कहा जाता, तो दीपावली के दूसरे दिन जो है हर मठ मंदिरों में जो है राम जी और सीता जी को जो है 56 प्रकार का जो है व्यंजनों का जो है भोग भी लगाया जाता और काफी उत्साह होती है। हमारे साथ यूपी ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ तस्वीर शाहिद सिद्दीकी नजर आ रही है अयोध्या में, क्योंकि आज धूमधाम से दीपावली छोटी दिवाली है, इसकी तस्वीर ही अगर अलग नजर आ रही है तो कल क्या कुछ तस्वीर नजर आने वाली है? फिलहाल अभी की स्थिति की बात कर ले तो क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है शाहिद? देखिए अयोध्या जगमगा रहा है, त्रेता युग की याद आ गई, क्योंकि जब प्रभु राम आए थे वनवास से तो त्रेता युग में आए थे और जो स्वागत प्रभु राम का उस समय हुआ था उससे भव्य स्वागत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पक विमान से जब राम और लक्ष्मण सीता हनुमान जी आए तो उनका अभिषेक किया और स्वागत किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे श्री राम और लक्ष्मण, हनुमान और सीता का अभिषेक करने के लिए। आज एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी हुआ है, 25 लाख से ज्यादा दिए जले हैं और करीब 1,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर आरती की है। ये दो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये एहसास दिला दिया, जब 14 वर्ष वनवास के बाद प्रभु राम अयोध्या आए थे तो किस तरह का स्वागत हुआ होगा। आज कलयुग के लोग भी वो देख रहे हैं, दिए से जगमग है अयोध्या। राम मंदिर के बाद ये दूसरा आयोजन है जो भव्य आयोजन हो रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद, और तो लगातार लोगों में उत्साह है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मैसेज भी दे रहे हैं कि प्रभु राम की नगरी अयोध्या है और राम युग आ गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त हो चुकी है, लगातार कानून का राज है, जंगल राज समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयान में भी कहते हैं राम जी के आदरों पे चलना है और राम जी ने जिस तरह का अयोध्या, जिस तरह का प्रदेश चाहा था उस तरह का प्रदेश बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे। शायद आपके आसपास क्या लोग हैं उनसे बातचीत हो सकती है, क्या कह रहे हैं आज किस तरह से धूमधाम से दीपावली का त्योहार मना रहे हैं और खास करके बाद के 500 सालों के बाद जो है रामलला विराजमान हुए हैं, भव्य तरीके से दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है लोगों का? बिल्कुल, हमारे साथ एक सहयोगी है जो फोटोग्राफर भी है। 500 साल के बाद श्री राम जी विराजमान हुए, आज दिवस को भी भव्य मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी
जय श्री राम। देखिए जय श्री राम और गर्व से सीना चौड़ा है ये कह रहे हैं कि त्रेता युग के बाद एक राम का युग फिर से आया है इस कलयुग में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की बात है, इस साल भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में हुआ जिसमें लगभग 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए और एक विश्व रिकॉर्ड बना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1121 लोग एक साथ सरयू की आरती किए हैं, इसका एक रिकॉर्ड बना है। 25,12,585 दिए जलाए गए हैं अयोध्या में, ये भी एक रिकॉर्ड बना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, उसके साथ तमाम अयोध्या वासियों, देश विदेश से और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अयोध्या में इकट्ठा होते हैं दीपोत्सव प्रोग्राम देखने के लिए। और आप समझ लीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम होते हैं, कहीं भी कोई एक घटना नहीं सुनाई देती है। राम मंदिर निर्माण के बाद एक भव्य आयोजन हुआ और हर साल की भांति इस साल भी एक दीप जलाकर और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाने की ये जो प्रथा है वो उत्तर प्रदेश और देश में सबसे पहले हो रही है। और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अयोध्या में दिए जलाए गए हैं, उसका रिकॉर्ड भी हुआ है और एक साथ आरती भी हुई है। तो एक बड़ा आयोजन है, इस तरह के आयोजन बहुत ही कम देखने को मिलता है, मगर मुख्यमंत्री की सहनशीलता और मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था को देखते हुए इस तरह का आयोजन देखने को मिलता है। अयोध्या पूरा जगमग है और वहां के साधु संत बिल्कुल अयोध्या में है और राम के गुण गा रहे हैं, श्री राम के गुण, जगह जगह आरती हो रही है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि अयोध्या में जो त्रेता युग के समय जब श्री राम आए थे 14 वर्ष वनवास काट के, उसके बाद इस तरह का आयोजन कलयुग 2024 में हो रहा है तो ये बड़ी बात है। और लोगों में वही राम दिखते हैं, वही सीता दिखते हैं, वही लक्ष्मण दिखते हैं, वही हनुमान जी दिखते हैं। जब कोई पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर से आता है उसका स्वागत जब प्रदेश के मुखिया करते हैं, अभिषेक करते हैं, राम भगवान का करते हैं, लक्ष्मण जी का करते हैं, सीता मैया का करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, ये बड़ी बात है। और इस तरह का आयोजन कराना भी एक बड़ी बात है। मैं और हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह के आयोजन, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था के लोग हों उनकी भी सराहना करते हैं और चाहे तो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी हो, चाहे सूचना विभाग के अधिकारी हो, चाहे प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद हो, चाहे सूचना निदेशक सुशील जी हो, इस तरह का आयोजन करते हो। और एक हम पत्रकारों को भी वहाँ आराम से कैसे जाया जाए, एक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है, मीडिया सेंटर बनाया जाता है खबर डालने के लिए, एक एक खबर के आउटपुट कैसे मिले, ये तमाम चीजें व्यवस्थित होती हैं। और सूचना विभाग बाकायदा यहाँ से लखनऊ, राजधानी लखनऊ से बस पे पत्रकारों को भेजता है और वहां पे कवरेज होती है। तो एक पासेस बनते हैं, पूरी तरह एक तैयारी की जाती है। आपको बताएं दीपोत्सव तो आज हो रहा है छोटी दिवाली को, मगर इसकी तैयारियां जो है लगभग 15 दिन से पहले से हो रही है, चाहे वो अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हों, चाहे वॉलेंटियर हों, चाहे सूचना विभाग के लोग हों, एक एक दिया कैसे जलना है, एक एक दिया में तेल डालना है, दीप डालना है, तमाम ऐसे काम हैं जो कहीं पे मिस ना हो और अच्छे से हो तो उसको पूरा ध्यान दिया जाता है। और तमाम वॉलेंटियर इस काम को पूरी तरह करते हैं और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाते हैं। चलिए आज हम कहीं ना कहीं नवरात्र से जो पर्व की शुरुआत होती है, उसके बाद दीपावली, फिर छठ पूजा, लगातार त्योहार का दौर चलते रहता है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो क्या कुछ स्पेशल सुविधाएं लोगों के लिए दी गई है, क्या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ाई गई है ताकि लोग आराम से अपने घर जा सके और दिवाली का उत्सव धूमधाम से मना सके, छठ पूजा मना सके, भाई दूज मना सके? देखिए प्रियंका, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले ही जो है घोषणा कर दिया था कि त्योहार को लेकर के यहाँ पर किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अतिरिक्त जो है स्पेशल बसें भी जो है चलाई हैं। हालांकि दीपावली के बाद ये लगातार जो है त्योहारों का दौर जो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये दीपावली के बाद जो है छठ पूजा होगी, छठ पूजा के बाद जो है यहाँ पर अयोध्या में 14 कोसी और 5 कोसी जो है परिक्रमा होती है, तो उसकी तैयारी प्रशासन ने उसका भी खाका जो है बना रखा है। और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, उसकी जो है विशेष जो यहाँ पर सुविधा जो है की गई है। प्रियंका, चलिए
आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अयोध्या फिलहाल जगमगा रहा है, आज छोटी दिवाली है और कल दिवाली का उत्सव है, लेकिन उससे पहले अयोध्या में रामलला को जिस तरह से उनका स्वागत किया गया ये देखने लायक था। अयोध्या में धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया गया है। 500 साल के बाद रामलला अपने जगह अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं और काफी ज्यादा धूमधाम के साथ ये दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। 25 लाख दिए जलाए गए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा गया, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा दिए जलाए गए हैं। धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है, लोगों में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से सब यही कह रहे हैं कि जितनी धूमधाम के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है, ये त्यौहार तो बीत रहा है लेकिन अगले साल एक बार फिर से जल्द ही त्यौहार आए ताकि धूमधाम से इस तरह के बार बार त्यौहार मनाते रहे। फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रफ्तार मीडिया। नमस्कार।